अलवर के भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार दो लोगों ने एक युवक को गोली मार दी है और मौके से साथी फरार हो गए। बदमाशों ने इससे पहले पीड़ित पर धारदार हथियार से वार भी किया और जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। घायल को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है, जहाँ पर उसका उपचार जारी है। पीड़ित महेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि लाल कलर की स्कूटी पर सवार होकर आए आरोपी जाने पहचाने हैं और आरोपी टीटू से पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके चलते उसने हमला कर दिया। हालांकि इस बारे में पुलिस टीटू को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। और उधर पुलिस उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के बाद टीम गठित करके रवाना कर दी गई है। आज सुबह करीब 8:30 बजे होटल ट्री हाउस के पास में वाले रोड पे गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस SHO भिवाड़ी बादाराम जी और मन CEO वहाँ मौके पर पहुँचे। जिसको गोली मारी गई है महेश जोशी भरतपुर डीक के रहने वाले हैं और गोली चलाने वाला उनका कोई परिचित है और पूर्व में आपस में इनके कोई रंजिश है। अभी पूरी तरह से सभी बातों का खुलासा उनके होश में आने के बाद और उनके बयान देने के बाद ही हो पाएगा। अनुसंधान जारी है, हमने टीमें गठित कर दी है और जो उन्होंने जो हुलिया और जो परिचित का नाम बताया है उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए डिटेन करने के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता चंद्रशेखर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी चंद्रशेखर, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ अभी तक खुलासा हो पाया है? जी बताना चाहूंगा कि ये भिवाड़ी का मामला है और इसमें कल स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने एक टैक्सी ड्राइवर पर गोली चलाई। ये पुरानी कोई रंजिश का मामला है। फिलहाल जो घायल है उसको अस्पताल में उपचार चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी चंद्रशेखर, घायल का क्या कुछ स्थिति में कोई सुधार की अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, उनके पेट पे गोली लगी थी जिसको पुलिस वालों ने जो बदमाश है उनकी तलाश कर रहे हैं और डॉक्टर ने गोली निकाल ली है। पहले भी फोन पर धमकी दी थी इसी ड्राइवर को, लेकिन क्या पूरा मामला है उसकी तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है। जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता रहे हैं, भिवाड़ी से खबर, जहां स्कूटी सवार दो बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।